शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय का मानकों के अनुसार निर्माण होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जनपद के रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय यादव बस्ती कोट में मान और मानकों के अनुसार विद्यालय का निर्माण न होने के कारण 45 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। आपके विद्यालय में समस्या क्या है? शौचालय नहीं है और फैन नहीं हुआ है, बाउंड्री आदि बनी है और बाउंड्री डर लगता है कुछ आ नहीं जाए अंदर। तो शौचालय नहीं है तो शौच के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं, नदी के वो जाते हैं, डर लगता है नदी में फिसल कर गिर नहीं जाए और झाड़ी है झाड़ी पर डर लगता है कुछ काट ना ले। विद्यालय की समस्या है, इसमें बाउंड्री जो है उसकी जो मानक ऊंचाई होनी चाहिए उतनी ऊंचाई नहीं है, इसमें गेट नहीं लगा हुआ है। ये जो ग्राउंड है इसकी जो साफ़ सफाई जो है जो उचित समुचित होनी चाहिए उस ढंग की नहीं है। विद्यालय में आपके शौचालय हैं? विद्यालय में शौचालय भी नहीं है, बच्चे इसीलिए जो है ज़्यादातर बाहर जाते हैं छुट्टी होने के बाद। और ये जो गेट नहीं लगा हुआ है इसमें जो है जो चरने वाले जो जानवर हैं और कुत्ते आ जाते हैं, कभी कभी बच्चे जो है अपना नियम नियम का भोजन कर रहे होते हैं तो कुत्ते आकर के जो है उनके प्लेट में खाने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भगा नहीं पाते। इन सब परेशानियों के समाधान के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? ये अधिकार लोगों से मैं चर्चा करता हूँ, बोलते हैं कि बजट का व्यवस्था किया जा रहा है, इसमें सब लगेगा और बाउंड्री वगैरह बनेंगे और ये खड़ंजा वगैरह रोड से जोड़ा जाएगा विद्यालय को, बताते हैं अधिकारी बता रहे हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जौनपुर जनपद के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-93 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।